नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। मणिपुर हिंसा के बीच महिला से छेड़छाड़ का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें एक किराने की दुकान पर बीएसएफ का जवान महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहा है। इम्फाल का वीडियो 20 जुलाई का बताया जा रहा है। एक न्यूज़ के मुताबिक आरोपी की पहचान हेड कांस्टेबल सतीश प्रसाद के रूप में हुई है। घटना सामने आने के बाद बीएसएफ ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वर्दी पहने हुए जवान एक महिला को जबरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा है। जवान के पास राइफल भी है। महिला उसे बार बार रोक रही है, फिर भी वह छेड़खानी कर रहा है। 19 जुलाई को मणिपुर में दो महिलाओं का बिना कपड़ों में घुमाने का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर हैशटैग मणिपुर वायलेंस से ये वीडियो पोस्ट किया गया। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने आरोप लगाया है कि दोनों महिलाओं के साथ एक खेत में गैंगरेप किया गया। यह घटना इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में 4 मई को हुई थी। इंटरनेट बैन होने के कारण यह वीडियो तब सामने नहीं आ सका। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।